देखिए हम लोग आ गए गोवा में। ये विला हम लोग ने बुक किया है, 3 बेडरूम हॉल और किचन वाला, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये विला मडगांव स्टेशन से सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ऑटो से या आपकी रेंटेड व्हीकल से आप यहाँ पे स्टेशन से 5 मिनट पे पहुँच सकते हैं। हम 3 फैमिलीज आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड तुषार और उनकी 2 दोस्त, उनकी वाइफ्स और उनके बच्चे। तो ये है एंट्रेंस, देखिए कितना खूबसूरत एंट्रेंस है। सामने भी बंगलो है, यहाँ पे भी सामने बंगलो है, और ये पूरा पैसेज है बैठने के लिए। सुबह की चाय पी सकते हैं आप। ये है दरवाज़ा, ये है हॉल, बड़ा सा हॉल। और अभी हम जा रहे हैं, बट आए थे कोकण कन्या ट्रेन से, पहुँचे यहाँ पे। ये हमारा सामान हम लोग ने रखा हुआ है, और ये है मेरे हस्बैंड तुषार से। हाय तुषार। और ये उनके 2 फ्रेंड जय और वीरू जय, और ये है सुभाष। इसका चेक इन टाइम दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है, और चेकआउट टाइम दोपहर 12 बजे का है। आपको रूम दिखाती हूँ, हॉल तो आपने देख लिया है। यहाँ पे हॉल में एक बेसिन है, सबके लिए कॉमन है ये, हाथ पाथ धोने के लिए। ये हमारा बेडरूम है, एसी है यहाँ पे, और एसी चल भी रहा है। और ये है आईना बड़ा सा, ये है यहाँ का वॉशरूम, एकदम क्लीन रखा है उन्होंने वॉशरूम। गीजर भी है, गर्म पानी, बड़ा है वॉशरूम भी। और सारे रूम में ऐसे बड़ी बड़ी खिड़की है। ये हमारे रूम की खिड़की के सामने का बंगलो है, जहाँ पे शादी चल रही है अभी, देख सकते हो कितना बड़ा रूम है। और ये सबसे बढ़िया लेडीज लोग के लिए ये किचन, देखिए किचन में सब कुछ है, आपको लाइट लगा के बताते हुए। ये देखिए गैस है, और गैस वर्क भी कर रहा है, सिलेंडर भी है, चालू है गैस। ऐसा नहीं कि खाली सिगड़ी दिखाया है, तो आप खाना बना सकते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं, नाश्ते का पैसा बचा सकते हैं। ये टोस्टर है, ये कैटल है, और ये ओवन है, सब चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इट। और ये है वॉशिंग मशीन, आप कपड़ा धो सकते हैं आयरन करने के लिए आपके पास। ये आयनिंग टेबल और आयरन भी है। ये फ्रिज है, फ्रिज भी चल रहा है। ये फ्रिज जो है हमने ही बनाया था कल रात को इसी किचन में, आप देख सकते हैं। ये एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है, तो फिश वाले सब्जी वाले यहाँ पर आते रहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा है ये किचन, और ये पीछे का दरवाज़ा है, तो आप यहाँ पे शेड है, यहाँ पे आप कपड़े वपड़े अपने डाल सकते हैं सुखाने के लिए। देखिए कितना बड़ा पैसेज है, घर के बाहर भी बहुत बड़ा पैसेज है। तो इन लोग का घर देख के इन लोग का मन भर गया है, तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर के 2 रूम दिखाने के लिए। ये है ऊपर 2 रूम है बेडरूम। यहाँ पर फ्री वाईफाई भी है, और उसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। तो मुझे किचन के बाजू का ही रूम चाहिए था, तो मैंने नीचे का ले लिया। ये देखिए एक्स्ट्रा गद्दी भी दिया हुआ है, किसी को चाहिए रहेगा तो। और ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े विंडोज हैं, सब उजाला ही उजाला है, दिन भर लाइट लगाने की जरूरत नहीं आपको। इन तीनों बेडरूम्स में एसी है, एंड ऑल आर इन वर्किंग कंडीशन, और सॉलिड बड़े बड़े रूम है ये। ये ऐसे कबर्ड दिए हुए हैं, देखिए किसी होटल में भी आप रहेंगे तो इतने बड़े बड़े रूम आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ से ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स भी 1-2 मिनट की दूरी पर है। अब देखते हैं तीसरा बेडरूम। यहाँ से ऊपर आने के बाद ये एक रूम है, और इसके सामने ही ये दूसरा रूम है।
ये रूम भी बहुत ही स्पेशियस है। उस रूम में जैसा विंडो था सेम वैसा ही बड़ा विंडो यहाँ पर भी है। यहाँ की जो होस्ट है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छी है। यहाँ की क्लीनलीनेस की अगर बात करें तो ये घर एकदम साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं, और ये विला एकदम मेंटेन है, अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है इसे। अब यहाँ पे थोड़ी देर में क्लीनिंग प्रोसेस होने वाला है क्योंकि इनके नए गेस्ट आने वाले हैं और हमारा भी चेकआउट का टाइम हो चुका है। तो चलिए अब इस विला की बालकनी देखते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं रात को चिल करने के लिए आसमान के नीचे। गैलरी के सामने भी बहुत अच्छे व्यूज है, बंगलो ही बंगलो है, बंगलोस, ये एक और एक बंगलो और ये एक और बंगलो। ये नीचे का रास्ता, हम लोग ने गाड़ी पार्क की है, ये देखिए ये हमारी गाड़ी है और दो स्कूटीज हम लोग ने लिया है रेंट पे, ये हमारी दो स्कूटीज है, एकदम मजे ही मजे है। जैसे अब सबसे जरूरी बात जिस बात का आप वेट कर रहे होंगे, ये विला हमें मिला था 4500 में पर नाइट के लिए, बट ये रेट सीजन के हिसाब से है। पूरा विला हम लोग को पड़ा था 4500 में, बट हमने 3 महीने पहले बुक किया था इसलिए चीप मिला था। ऐसा घर मिलना बहुत ही मुश्किल। कैसा लगा आपको ये रूम? मजा आया आपको? प्रियांशु कैसा लग रहा है ये बंगलो अच्छा लगा? तो अनु जी आपको कैसा लगा ये बंगलो? तो जय जी आपको कैसा लगा ये बंगलो? मेरे को ये विला पूरा एकदम ही ऑसम लगा एंड आजू बाजू का लोकेलिटी भी बहुत ही शांत है। इस विला में जो क्लीननेस था वो एक नंबर था। आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड विद योर विला एंड पीपल प्लीज कम हियर एंड स्टे हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड माइंड ब्लोइंग प्लेस। जैसे पूछ लिया है, हम लोग अभी वीरू का ओपिनियन लेंगे। तो वीरू जी मतलब सुभाष जी, देखिए उनका हाथ फ्रैक्चर बनने होने के बाद भी वो गोवा आए हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, तो उनको एक सैल्यूट बनता है। तो उन्होंने उनकी वजह से हमारा ट्रिप पॉसिबल हो सका क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो आपको कैसा लग रहा है ये विला तुषार को पूछते हैं। तुषार जी आप बताइए, इन्होंने ये सारा विला का क्रेडिट जाता है, इन्होंने ढूंढा है एयरबीएनबी पे, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कैसा लगा आपको? ये विला का आप लिंक पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो पहले गेस्ट रह के गए उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है ये विला का, इस फीडबैक के बेसिस पे हम लोग ने ये विला सिलेक्ट किया था। तो हम लोग को भी सेम क्या बोलते हैं अनुभव मिला था और हम फिर से इस विला में आने वाले हैं रहने के लिए। ये रेकमेंड दूसरे हमारे और फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी रेकमेंड करेंगे और फिर से हम लोग जब भी गो आएंगे हम फिर से यहीं पे एक बार आएंगे। विला का नाम बता सकते हैं एक बार? विला का नाम है साउथ साइड पैराडाइज बंगलो नंबर 4। इस विला का एड्रेस और बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। से लाडला आदित्य आप कुछ बताएंगे विला के बारे में? सबसे छोटे की भी राय लेनी चाहिए, तो उसने कैसा एंजॉय किया विला? मस्त खेलने के लिए भी अरे टीवी तो दिखा है नहीं हम लोग, टीवी भी है चल भी रहा है वो टीवी सब कुछ, मतलब आप आएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप अपने घर में ही आ गए। ठीक है, अगर आप ये विला
डायरेक्टली ओनर से बुक करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस विला के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही होमस्टेज की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पे जाके मेरे बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आपको बार बार आ सकें।